नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है सिकंदर का रहस्य। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। आज की किताब का नाम है सिकंदर का रहस्य। हमारे द्वारा पढ़ी गई यह लेखक की दूसरी किताब है। इसके पहले हमने उनकी महाभारत का रहस्य यह किताब पढ़ी थी। इसका रिव्यू और सारांश भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर आपने उनकी लिखी महाभारत का रहस्य यह किताब पढ़ी है तो आपको प्रस्तुत किताब के पात्रों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पात्रों के पृष्ठभूमि के बारे में भी भलीभांति परिचित हो जाओगे, क्योंकि प्रस्तुत किताब की कहानी बीच बीच में पहली किताब से जोड़ी गई है। मौजूदा किताब जगतजेता महान सिकंदर के बारे में बताती है कि उसने भारत आने के लिए कौन सा रास्ता चुना, उस रास्ते पर उसे कौन कौन से मुकाम पड़े, क्या उसे भारत आने के लिए यह एक ही रास्ता मिला या फिर वह किसी और रास्ते से भी भारत आ सकता था। अगर हाँ तो उसने यही रास्ता क्यों चुना, इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है, ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे सिकंदर ने अपने सैनिकों से भी छुपाया था और जिसे पाने के लिए वह भारत आया था। किताब में बताए अनुसार सिकंदर जिस रास्ते से भारत आया था उसका मैप भी याद दिया है। किताब की कहानी अभी भी अधूरी है। लेखक का कहना है कि उनकी आगे आने वाली किताबों में यह पूरी हो जाएगी। किताब में लेखक के बारे में जानकारी दी है, वह भारत के चंडीगढ़ में रहते हैं। किताब की कहानी भूतकाल और वर्तमान काल में चलती है। कहानी थोड़े थोड़े अंतराल बाद आपको अलग अलग भावनाओं से रूबरू कराती है। कभी डरना, सहमना, हंसी, खुशी, कॉमेडी, तो कभी साहस, तो कभी किताब के दृश्य आपको ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां असलियत में जाना असंभव हो। कहानी के पात्रों के साथ आपको ऐसी जगहों की खोज करने को मिलेगी जिसकी चाहत हमेशा पुरातत्ववादी रखते हैं। साथ में भारत के महान ग्रंथ महाभारत के कुछ श्लोकों का असली अर्थ भी जानने को मिलेगा, क्योंकि कहानी में सिकंदर नायक और खलनायक को जिन चीजों की तलाश है उनका असली मतितार्थ इन्हीं श्लोकों से निकलता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पुराणों में वर्णित कुछ वस्तुएं और घटनाएं जो अतिशयोक्ति बनी हुई है उनको विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह साबित करने की कोशिश लेखक की रही है। प्रस्तुत किताब के लिए लेखक द्वारा बहुत रिसर्च की गई है, यह उनकी लिखी किताब से पता चलता है। इसके लिए उन्होंने पुराणों का अभ्यास भी किया है, मानव शरीर की कोशिकाओं की संरचना के बारे में भी पूरी जानकारी जुटाई है। यह उनके द्वारा रचित डॉक्टर पात्रों के बोलने से पता चलता है। किताब पढ़ने के बाद कुछ चीजों का नजरिया बदल जाता है। इस अप्रतिम किताब के लेखक है क्रिस्टोफर सी डॉयल। हिंदी अनुवाद किया है धीरज कुमार इन्होंने। प्रकाशक है वेस्टलैंड लिमिटेड। पृष्ठ संख्या है 331 और यह अमेजोन और किंडल पर उपलब्ध है। सारांश: किताब की कहानी ग्रीस देश की एक पुरातत्ववादी साइट से शुरू होती है। वहाँ की हेड एलिस नाम की एक अमेरिकन युवती होती है। वह अपना काम अच्छे से कर रही है। जब वह और उसका असिस्टेंट काम खत्म करके होटल वापस लौटते हैं तो परिस्थिति अचानक से बदल जाती है, इतनी कि उसे अपने जान बचाने के लिए वह जगह जल्द से जल्द छोड़ देनी पड़ती है। उसे एक बहुत ही सुरक्षित जगह की तलाश है। वह भारत में स्थित विजय के किले को चुनती है। भारत आकर पाठकों को यह पता चलता है कि एलिस विजय की एक गर्लफ्रेंड है, पर विजय अपनी पिछली जिंदगी भुलाकर राधा के साथ आगे बढ़ चुका है। कहानी शुरू होने के कुछ ही अध्यायों के बाद राधा का अपहरण हो जाता है। विजय, कोलिन, राधा और इमरान, यहाँ सारे लोग टास्क फोर्स का हिस्सा है। अपने कामों के चलते राधा पत्रकार बनकर एक ऐसी जगह पूछताछ करने पहुंच जाती है जहाँ अवैध मानव परीक्षण चल रहे हैं, जिसका संबंध सिकंदर की भारत यात्रा से है, जिसे खोजने के लिए सिकंदर भारत आया था। वह सारे लोग बहुत खतरनाक है। वही लोग राधा का अपहरण करते हैं, इमरान पर हमला करके उसे भी घायल कर देते हैं। बाकी सारे लोग चाहकर भी राधा का पता नहीं लगा पाते। राधा का जो लोग अपहरण करते हैं वह उस पर अपनी नई दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जिससे राधा को डॉक्टर की बातचीत से पता चल जाता है कि वह भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। इमरान और विजय तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए राधा के पास एक योजना है, लेकिन वह खतरे से खाली नहीं, फिर भी वह उसे आजमाने की सोचती है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाएगी, पढ़कर जरूर जानिए। इधर राधा का गायब होना, इमरान और एलिस पर जानलेवा हमला होना, इन सब के तार उनको ऑर्डर से जुड़े दिखाई देते हैं। ऑर्डर एक ऐसी संस्था जो अदृश्य होकर भी दुनिया पर राज करती है, जो बहुत ताकतवर है और जिनका जन्म दुनिया के जन के साथ ही हुआ है। इसी ऑर्डर के एक सदस्य सिकंदर की माँ ओलंपिया थी। उसके पास जो चीजें थी वही चीजें इस जमाने के ऑर्डर के सदस्य हथियाना चाहते हैं।
ताकि वह भी उस रहस्य को पा सके जिसके कारण सिकंदर अमर होने का दावा कर रहा था, वह भी गुप्त तरीके से, ताकि इसकी भनक किसी को भी न लगे। इसके रहस्य को पाकर ऑर्डर पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। ऑर्डर संस्था में दिग्गज लोगों का समावेश है, इसीलिए यह संस्था बहुत ताकतवर है। इन लोगों से लड़ना विजय के बस की बात नहीं। उसके पास राधा को बचाने का कोई तरीका नहीं, इसीलिए वह उन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करता है जो एलिस अपने साथ लेकर आई थी। उन चीजों से विजय के माता पिता भी जाने अनजाने जुड़े हुए थे। उनके दस्तावेजों के कारण ही विजय उन पहेलियों को सुलझाने में कामयाब होता है। उसे ऑर्डर के कुछ बंदे अपने साथ ले जाते हैं जो प्रशिक्षित किलर है और अपने काम में माहिर है। विजय की एक गलती उसकी आखिरी हो सकती है। फिर भी राधा के लिए वह यह रिस्क लेने को तैयार है और इसी के साथ सिलसिला शुरू होता है हैरत अंगेज जगहों की यात्रा का, जिसे हमने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा या किताबों में पढ़ा होगा। इस यात्रा में उनको वह सारी चीजें मिलती है जो महाभारत के समुद्र मंथन में बताई गई है। इसी के साथ उन रहस्यों से भी पर्दा उठता जाता है कि सिकंदर भारत क्यों आया था और उसने वही रास्ता क्यों चुना था। बहुत ही बढ़िया और अप्रतिम किताब। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए लेखक की आने वाली किताबों का इंतजार करें। धन्यवाद। विश यू हैप्पी रीडिंग। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। नमस्कार रीडर्स। सारा